ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर गांव में सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं कोरोना को लेकर देश में एक डर बना हुआ है। प्रत्याशी फिर एक बार नए नए वायदों के साथ मैदान में हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस बार कोरोना महामारी के दौर में चुनाव कैसा होगा। मंच न्यूज की टीम द्वारा बरसाना से लगभग 2 किलोमीटर दूर गांव ऊंचा गांव का चुनावी दौरा किया गया। यहां लोगों से उनकी राय जानी गई। वहीं गांव में लोग कोरोना को लेकर सतर्क दिखाई दिए। लोगों ने मास्क और कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बना रखी थी। जहां गांव की जनता आज भी विकास की उम्मीद लेकर बैठी है। इस गांव की गलियां कीचड़ से लबालब भरी हुई हैं। वहीं ग्रामीणों को आज तक राशन कार्ड तक उपलब्ध नहीं हो पाए। मनरेगा योजना, उज्ज्वला योजना, पीने के पानी की समस्या, बच्चों की पढ़ाई और रोजगार जैसी समस्याओं को लेकर ग्रामीण आज भी इस आस में बैठे हैं कि कोई उनको सरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभ दिलाएगा। ये सब गांव में कीचड़ बहुत रहता, नाली साफ नहीं, बच्चे बहुत बेरोजगार डोल रहे हैं। क्या यहाँ नरेगा कार्ड नहीं बने हुए? ना कोई कार्ड, ना बहुत कम काम हो, और एक स्कूल में भी कोई साफ सफाईत नहीं, कोई पढ़ा लिखी ऐसी अच्छी नहीं है, और बहुत समस्याएं ऐसी जो प्रधान उनका अमल में करवा ना रही। अब कोई ऐसा प्रधान बने बढ़िया जो या काम में बढ़िया करें। आप कैसा प्रधान चाहते हैं इस बार? बढ़िया होना चाहिए ना, जो काम करे, जो हमारे काम करे। हमारे गांव में कीचड़ बहुत है जी, कोई पानी की निकासी नहीं है सही, घरन में पानी भर रहा है, और ऐसा कोई रोज वो भी ना है, कोई काम सही, रोजगार ना है कोई, ऐसा नरेगा पूरा काम ना, नरेगा को भी कोई पूरा काम ना हो, बहुत कम काम हो नरेगा में। बीपीएल कार्ड भी कम है, बीपीएल। आप जो आने वाले प्रधान उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? आने वाले प्रधानों से ये चाहते हैं कि पढ़े लिखे शिक्षक समाज के होते हैं और अपने गांव की सफाई और जो भी योजना लाएं और गांव में उन्नति करके दिखाएं। गांव में इतनी गंदगी पड़ी हुई है जिसको कोई सवाल नहीं। बात पहले प्रधान थे, उन्हें कुछ नहीं किया, ना लैट्रिन बनवाई थी, पौधे के टीके किए और हर बाथरूम बनवाई है तो उससे 2000 रुपए लिया है। उम्मीद ये प्रधान इसी वजह से बनाए जाए, गांव की साफ सफाई हो, हर कोई योजना पे योजना मिलनी चाहिए, जनता को लाभ मिलना चाहिए। जनता को लाभ तो मिलना चाहिए, जो अब आगे के 5 वर्ष बीते हैं क्या उनमें आपको लाभ मिला है? कोई लाभ ना है। अब अगर प्रधान आता है तो आप क्या उम्मीद रखते हो? कौन कौन से ऐसे लाभ है जो आप चाहते हो जिनसे गांव का सुधार हो सके? गांव को सुधार सबसे बड़ी समस्या तो रास्ता की कीच की परेशानी, पानी की परेशानी, एक नरेगा कार्ड बहुत कम, उज्ज्वला योजना बहुत कम मिली, लैट्रिन पूरी ना बनी, राशन कार्ड नहीं, राशन पूरा ना मिले, सबसे बड़ी समस्या। स्कूल में सबसे ज्यादा गंदगी, स्कूल में गंदगी तो गांव की पहुंचती होगी ना? हाँ जी। तो आप जो आने वाले जो प्रधान है या जो बीत चुके प्रधान, उनसे भी आपने कभी बात की होगी? बात सब करें, चुनाव के टाइम पर सब हम ही बन रहे हैं, तो रोटी करवे खाए भर रहे, जीत पीछ कचना। जीतने के बाद कुछ भी नहीं बोलते हो? कुछ नहीं, हम ही ना करो। तो ये बीपीएल कार्ड नाली बनवा दिया, 8 लाख रुपया ने खा गया, हम 10-20 तो भैंस मर गया, टिकरिए देख ले पानी भरो करो, आज तक नहीं बन पाई है ना। और ये जो मनरेगा वाले हैं, इनमें जो गांव के जो बेरोजगार उनको भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है? बेरोजगार जो घर बैठे रहे प्रधान, वो तो काम करे ना, उनको पेमेंट मिल जाए, वैसे जिनके कार्ड हो जाए ना।